हेलो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। मैं हूं संजय प्रजापति और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डिस्कवरी संजय टेक। तो आज हम बात करेंगे पैनल बोर्ड मतलब MCB बॉक्स में कनेक्शन किस तरीके से कनेक्ट करेंगे, तो आज हम आपको कनेक्ट करके दिखाएँगे। तो पिछले वीडियो में हमने पैनल किस तरीके से बनाया था आपको दिखाया हुआ है, तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। यदि आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो हमारे इंस्टाग्राम आईडी या फेसबुक आईडी पे जाकर पूछ सकते हैं, हम ज़रूर आप उसका रिप्लाई देंगे। तो चलिए ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारा पूरा रूम का सर्किट है जिसे आप देख सकते हैं, ज़्यादा सर्किट नहीं, लगभग 2 या 4 सर्किट बन रही है। तो ये सब हमारा सर्किट है, ये केसी पॉइंट है और ये आपका मेन वायर जो सप्लाई वायर है। तो चलिए हम इसका कनेक्शन करके आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम तार को सीधा कर लेंगे, अच्छी तरीके से सभी टेप को खोलेंगे। तो फ्रेंड्स, ये आपका इन्वर्टर वायर है जिसे हम कटिंग कर सभी को एक वायर से जोड़ देंगे जो आप देख रहे हैं। इसे हम अच्छी तरीके से जोड़कर इंसुलेंट टेप लगा देंगे। फिलहाल इन्वर्टर नहीं लग रही है तो इसे हम प्लस पॉइंट में कनेक्ट कर देंगे। ये बॉडी अर्थ से भी एक वायर के जरिए इसे हम कनेक्ट कर देंगे। और ये प्लस पॉइंट है, उचित नाप पर जिसमें MCB में पहुंच जाए उतना करके हम थोड़ा सा वायर ज़्यादा रह कर इसे हम कटिंग कर देंगे। और एक ये सब न्यूट्रल वायर है, ये सब को भी हम पत्ती तक पहुंचने के बाद इसे कटिंग कर देंगे। सभी वायर का हम मिलान कर लेंगे, सभी वायर यही जगह पहुंच पाई है या नहीं। तो इस तरीके से अब हम MCB बॉक्स में कनेक्शन करेंगे। MCB बॉक्स इसमें फ़िलहाल MCB 3 ही है, एक TP है। तो आप इसे देख रहे हैं, इसमें हम सप्लाई वायर को पहले ग्रिप के ऊपरी भाग में निकाल देंगे। आप वीडियो को पूरा तक देखिए, आपको पूरा समझ आ जाएगी। और उसके बाद पूरे वायर को हम ऊपरी भाग से निकाल कर पैनल बॉक्स को इसे हम लगा देंगे। अब पूरा काम बाहरी तरफ से बच गया, तो इसे अब हम स्क्रू के माध्यम से कसकर बाहर से इसका कनेक्शन कनेक्ट करेंगे। इसे हम सीधा रखकर इसे कस देंगे। इस तरीके से हमारा पैनल लग चुकी, अब इसका हम कनेक्शन कनेक्ट करेंगे। जो आप पत्ती देख रहे हैं MCB बॉक्स में, जो ऊपर पत्ती आपको दिखाई दे रही है उसमें आपका न्यूट्रल पॉइंट जाएगी। एक दो वायर हमारा AC का है जिसे हम DP के ऊपरी भाग से आउटपुट दे देते हैं, वो आपका MCB से कनेक्ट नहीं रहेगी। जिस जगह AC पॉइंट है वहाँ पे MCB दिया हुआ है, तो यहाँ से हम डायरेक्ट लाइट को जोड़ देंगे। और ये सब आपका प्लस पॉइंट है, तो इसे अब हम MCB के ऊपरी भाग में कनेक्ट करेंगे। तो फ्रेंड, यदि आप एकदम नए इलेक्ट्रिकल हैं तो आपको एक बार में समझ नहीं आएगी, यदि आप थोड़ा थोड़ा जानते हैं तो इस तरीके से देखकर समझ सकते हैं। तो इस तरीके से हम सभी वायर को जो प्लस पॉइंट है MCB के ऊपरी भाग में दे देंगे। अब वीडियो में अंत तक बने रहिए, आपको सभी समझ आएगी। यदि वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप करेंगे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप पूरे पॉइंट को कनेक्ट कर सकते हैं। हरा वाला आपका बोर्डिंग अर्थिंग है जिसे हम MCB बॉक्स में कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं।
यह आपका सप्लाई लाइट है जिसे अब हम ग्रिप में जोड़ देंगे ताकि लाइट यहाँ तक आ जाए। यदि हम ग्रिप को बांधेंगे तो आगे लाइट आना शुरू हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप देख सकते हैं हमारा MCB बॉक्स बनकर तैयार है।